सो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं चार्जिंग टाइम टेस्ट इस इन्फिनिक्स हॉट नाइट स्मार्टफोन का। बेसिकली जो फोन है बिल्कुल डेड हो चुका है, यानी कि इसकी चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, स्विच ऑफ हो गया है फोन। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि 0 से लेकर 100% तक ये फोन जो है कितनी देर में चार्ज होगा। तो बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा टाइम की चार्जिंग कितनी, यानी कि एकदम एक्सट्रीम जो है टेस्ट होने वाला है इसकी बैटरी चार्जिंग टाइम का। तो बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ साथ चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ऐसी वीडियोस और देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं लिया हूँ उसका चार्जर, उसके चार्जर को जो है मैं प्लग में लगा देता हूँ और जो चार्जिंग टाइम है वो स्टार्ट करूँगा और दोनों चीज़ों को एक साथ स्टार्ट करूँगा। सो दोस्तों मैंने इसका जो चार्जर है वो लगा दिया है और जो मैंने टाइमर है वो भी स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली इसकी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसको चार्जिंग लगा हुआ छोड़ दूंगा और मैं आगे चेक करूंगा कि कितनी देर में जो फोन है फुल चार्ज होता है। तो दोस्तों अब लगभग जो है हमारे 30 मिनट, पहले 30 मिनट जो है कंप्लीट हो गए, मैं आपको चार्जिंग दिखा देता हूँ। दोस्तों पहले 30 मिनट में इसकी जो है चार्जिंग हुई है 16% हो गई है। तो अब मैं जो है इसका जो डिवाइस को जो है वो ऑन कर देता हूँ, इसका जो स्विच है वो ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जो है डिवाइस का स्विच ऑन कर दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें जो है दोस्तों नोटिफिकेशन एलईडी है, यानी कि जब आपका फोन चार्जिंग पे लग रहा होगा बेसिकली, तो इसमें जो नोटिफिकेशन एलईडी है वो पॉपअप हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे इस फोन की। तो 30 मिनट में दोस्तों इसकी चार्जिंग 16% हुई है। तो बेसिकली एक स्लो चार्जर है, 10 वाट का चार्जर है, बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जर नहीं है। तो अभी जब हम जो है इसका पूरा टाइम देखेंगे कितना टाइम इसमें लगता है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं इसे जो है चार्जिंग पे ऐसे ही लगा रहने देता हूँ और अब मैं थोड़ी देर बाद और आगे चेक करूँगा इसकी चार्जिंग जो है कितनी होती है। तो दोस्तों लगभग 1.5 घंटा हो गया इसको चार्जिंग में लगे हुए और अब मैं चार्जिंग दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में ले जाके, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो दोस्तों इसकी चार्जिंग हो चुकी है 39%, जैसे आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर। तो 1.5 घंटे में इसकी चार्जिंग जो है 39% हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी और जो चार्जर है वो एक स्लो चार्जर है, 10 वाट का चार्जर है, ज़्यादा फास्ट चार्जर है नहीं ये। तो इसकी चार्जिंग 39% हुई है 1.5 घंटे में। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इसे लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा फुल चार्ज होने में। लेकिन दोस्तों मैंने अभी भी इसे चार्जिंग लगा होगा, मैंने छोड़ रखा है इसे चार्जिंग पर लगाकर, तो अब जब तक ये फुल चार्ज नहीं हो जाता यहीं पे रहेगा। तो अभी तो इसकी चार्जिंग 39% हुई है 1.5 घंटे में। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए इस फोन को चार्जिंग पे लगे हुए, मैं आपको इसकी जो है चार्जिंग शो कर देता हूँ कितनी हुई है। तो दोस्तों इसकी चार्जिंग हो चुकी है 72%, जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर इसकी चार्जिंग 3 घंटे लगाने के बाद 72% हुई है। तो लगभग 4 घंटे मुझे लगता है कि इसमें लग जाएंगे फुल चार्ज होने में इस फ़ोन को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये 4 घंटे और 25 मिनट हो चुके हैं और इसकी चार्जिंग हो चुकी है 99%, ऑलमोस्ट 100% की चार्जिंग जो है होने ही वाली है। तो लगभग 4.5 घंटे का जो है टाइम ले लिया है मुझे लगता है, अभी वैसे हो ही नहीं 100%, अभी हम थोड़ा वेट करेंगे इसके 100% होने का। तो दोस्तों फाइनली इसकी जो चार्जिंग है वो 100% हो गई है लगभग 4 मिनट 33 सेकंड में, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर इसकी चार्जिंग जो है फाइनली 100% हो गई है, 4 घंटे और 33 सेकंड का ने समय लिया है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन इसमें क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है और जो चार्जर है वो एक स्लो चार्जर है, बेसिकली एक 10 वाट का चार्जर है, तो ये डिज़र्व करता है इतना टाइम। तो 4 घंटे 33 सेकंड और 42.42 का ने जो है टाइम लिया है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे जो है हीटिंग की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों लगभग 4.5 घंटे से फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, एकदम नॉर्मली इसकी हीटिंग है। साथ साथ जो इसका चार्जर है वो चार्जर भी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि दोनों में से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुई, एकदम नॉर्मल जो हीटिंग होती है जो आपको सभी फ़ोनों में मिलेगी वो भी इसी फ़ोन में आपको मिलेगी। तो इसमें हीटिंग को लेकर कोई भी इशू नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि फ़ोन जो है बिल्कुल भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ है और साथ ही साथ चार्जर भी इसका बिल्कुल भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों बस यही मुझे आपको बताना था इस वीडियो में, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। साथ साथ चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना इस वीडियोस और देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।